मैंने टॉपिक चूज किया है मिनिमल कवर, या इसको आप बोल सकते हैं इरिड्यूसेबल, मतलब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, आपको चेक करना है और आपको फाइंड करना है इरिड्यूसेबल सेट। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड द करेक्ट मिनिमल कवर या इरिड्यूसेबल सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और एंड यहाँ पर हमारे पास फोर ऑप्शन है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, जिसमें ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन बी, डी डिटरमाइन ए बी एंड सी, ए सी कंबाइनली डिटरमाइन डी। तो इस तरीके का क्वेश्चन मिनिमल कवर का अगर आपको सॉल्व करना, तो इसको तीन स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप वन जो है उसमें आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे, मतलब कि जितने भी राइट हैंड साइड है वो अकेले होने चाहिए, मतलब एक एक होने चाहिए। इधर बी है, इधर बी है, इधर ए बी सी है, इधर डी है, ये अकेले अकेले होने चाहिए। अगर हम बात कर लें कि ए गोज टू बी, ये हमने इधर से बोल लिया, ए डिटरमाइन बी, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड क्या है, सी का, देन सी गोज टू बी, सी गोज टू बी, इट इज ऑलरेडी सिंगल, दिस इज अ मेन पॉइंट। डी गोज टू ए बी सी, मतलब जब थर्ड वाला करेंगे ये मेन पॉइंट है, डी डिटरमाइन कर रहा है तीन एट्रीब्यूट को ए बी सी, डी कंपोजिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, डी डिटरमाइन ए लिख सकते हैं, डी डिटरमाइन बी लिख सकते हैं, डी डिटरमाइन सी सकते हैं, सी लिख सकते हैं, मतलब कि इनको हमने सेपरेट सेपरेट लिख लिया, डी डिटरमाइन ए लिख लिया, डी डिटरमाइन बी लिख लिया और डी डिटरमाइन सी लिख लिया, और ए सी डी इसको हमने एज इट इज लिख लिया, मतलब कि ए सी गोज डी को कंपोज ना कर देना, क्योंकि ए सी इसका मतलब है ए सी इज अ कंपोजिट की, बिकॉज डिटरमाइन आर डी, मतलब कि ए सी कंबाइन होकर किसी डी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब अकेला ए कर पा रहा है कि नहीं, ये हमें कोई शोल्टी नहीं है, तो इसीलिए इसको डी कंपोज नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड को आप सिंपली डी कंपोज करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट वन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है स्टेप वन में, मेन पॉइंट है यहाँ पे स्टेप टू से। स्टेप टू में आपने क्या करना है, रिडंडेंट जो कि मतलब कि रिडंडेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको आपने हटाना है। कैसे हटाओगे, अगर हम बात करें सबसे पहले ए गोज टू बी की, ए गोज टू बी की अगर बात करें, अगर आपको इसको हटाना है या आपको चेक करना है क्या ये रिडंडेंट है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, अगर आप सपोज करो कि ए गोज टू बी को मैं हटा देता हूँ इसमें से, तो बाकी बचे हुए सारों में से ए का क्लोजर लेना है और आपको चेक करना है कि क्या ए के क्लोजर से बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे, देखो बाकी के कितने बचे हुए, वन टू थ्री फोर फाइव, इन पांचों में से अगर हम ए का क्लोजर लें तो क्या आएगा, ए के क्लोजर से अकेला ए ही आ रहा है, विच इज अ रिफ्लेक्सिव, अकेला ए तो डिटरमाइन कर ही सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सेल्फ लूप है, तो सेल्फ यहाँ पे, तो ए ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो यानी आपको ए गोज टू बी को लगाना ही पड़ेगा, इट इज नॉट अ रिडंडेंट। देन सेम फॉर सी गोज टू बी, अगर आप सी गोज टू बी को हटाते हो तो बाकी को बचे हुए में से इसको इंक्लूड करके आपको ये चार, मतलब वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ ये वाला, मतलब इसको हटा के बाकी सारे लेंगे, और सी का जब क्लोजर लेंगे, सी के क्लोजर से सी तो आएगा ही आएगा, बाकी के बचे हुए में से वन टू थ्री फोर और फाइव, सी के क्लोजर से सी आ रहा है, मतलब कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये रिडंडेंट नहीं है, सी गोज टू बी आपको लेना ही पड़ेगा, सी गोज टू बी ले लेंगे। देन D goes to A, लेट्स से आप D goes to A को हटाते हो, तो बाकी के बचे हुए में से वन टू थ्री फोर फाइव, इन पांचों में से चेक करना है D का क्लोजर, तो D के क्लोजर से क्या आ रहा है, D आ रहा है, D के क्लोजर से हमारे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है, और D के क्लोजर से D के क्लोजर से C भी आ रहा है, डेट्स इट। तो D के क्लोजर से D B C आ रहा है, लेकिन A नहीं आ रहा है, अगर हम इसको हटाते हैं, मतलब इसको भी हम नहीं हटा सकते, ये रिडंडेंट नहीं है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। देन D गोज टू B, अगर हम इसको हटाते हो तो बाकी बचे कौन से है, वन टू और ये वाले थ्री, मतलब कि इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको आप सपोज करो कि नहीं है, D गोज टू C, अब D का क्लोजर लो, दोबारा D के क्लोजर से D आ रहा है, D के क्लोजर से A आ रहा है, और D के क्लोजर से B भी आ रहा है, और D के क्लोजर से C भी आ रहा है, देखो D के क्लोजर से C आ रहा है, D के क्लोजर से B भी आ रहा है, D के क्लोजर से A भी आ रहा है, थ्रू A, मतलब कि किसी के थ्रू अगर हम फाइंड करने, यानी हम D गोज टू B को हटाते हैं, इसको अगर हम हटाते हैं तब भी D B को डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि ये रिडंडेंट है, मतलब कि ये रिडंडेंट है हमारे पास, मतलब कि रिडंडेंट को आप यहाँ पे यूज मत करो, दिस इज हाउ टू यू हैव सोल्व।
इधर कोमा आएगा। अब डी गोज टू सी को अगर आप उठाते हो तो मतलब डी गोज टू बी तो डंटर ना आ गया ना। अब हमें ये चेक करना है डी गोज टू सी, मतलब कि ये अब इंक्लूड नहीं करना। अब ये वाला हमने इंक्लूड नहीं करना डी गोज टू बी, और ये भी हमने अब इंक्लूड नहीं करना डी गोज टू सी, मतलब कि ये भी हमने सपोज किया नहीं है, और ये तो रिडंडेंट है, ये तो हट ही चुका है। और बाकी कितने आएंगे, 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से हमने अब चेक करना है कि डी गोज टू अगर हम सी करें, मतलब डी का अगर हम मतलब कि चेक करें, क्लोजर चेक करें कि डी के क्लोजर से क्या आया, डी के क्लोजर से डी आया, और डी के क्लोजर से ए आया, और डी के क्लोजर से बी आया, सी नहीं आएगा, डी के क्लोजर से ए आया। ये तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं इसको, ये रिडंडेंट आ गया, ये हमने सपोज किया। तो डी के क्लोजर से ए आएगा, डी के क्लोजर से ए आएगा, और डी के क्लोजर से बी आएगा। सो फाइनली ये रह गया हमारे पास ए सी गोज टू बी। अब ये अगर आप हटाते हो तो इसको आप सपोज किया, ये तो है ही नहीं, ये रिडंडेंट है। और अब हम इन चारों में से चेक करेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, और एक इसमें से, और एक इसमें से। तो ए सी का अगर हम क्लोजर लें तो ए सी के क्लोजर से ए सी तो आएगा ही आएगा, देन ए से हमारे पास बी आ गया, और देखो इधर ए से क्या आ रहा है, ए के क्लोजर से डी नहीं आएगा, मतलब इसको आपने को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये आपके पास रिडंडेंट नहीं है, सिर्फ रिडंडेंट है जो हमारे पास, वो रिडंडेंट सिर्फ सिंपल है डी गोज टू बी, हमारे पास रिडंडेंट है, इसको हम हटा देंगे। मतलब कि बाकी बचे हुए में से क्लोजर फाइंड करेंगे आ रहे हैं कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो इसको रिमूव कर दो, अदरवाइज आपको वो लिखना ही पड़ेगा। मतलब ये एक रिडंडेंट है, बाकी कोई भी रिडंडेंट नहीं है पाँचों में से, देन तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, बाकी सारों को डी गोज टू, मतलब ए गोज टू बी भी लिख लेंगे, ए गोज टू बी भी लिख लेंगे, सी गोज टू बी लिख लेंगे, डी गोज टू ए लिख लेंगे, सिर्फ इसको हम स्किप कर देंगे, डी गोज टू सी ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी बाकी जो बचे उन सबको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास स्टेप टू में आ जाएगा। और अब मतलब कि स्टेप थ्री में क्या है, अब स्टेप थ्री में देखना कि लेफ्ट साइड पे एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए। एक एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए गोज टू बी ऑलरेडी सिंगल है, सी गोज टू बी भी सिंगल है, डी गोज टू ए भी सिंगल है, डी गोज टू सी भी सिंगल है। अब इशू इधर बनता है ए गोज टू सी, मतलब कि यहाँ पे आप कर सकते हो ए सी मिलकर दो एट्रीब्यूट बन रहे हैं, मत क्या आप इसको अकेला ए लिख सकते हो या अकेला सी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। फॉर एग्जांपल ए सी गोज टू डी लिख रहे हो, और उसमें लेट्स सपोज आपने ए को हटा दिया, ए को आपने हटा दिया, ए को आपने हटाने के बाद अगर आप सी का क्लोजर ले रहे हो, और सी के क्लोजर में अगर ए आ जाता है, मेन पॉइंट इज सी के क्लोजर में अगर ए आ जाता है, तो अगर फिर आप ए हटा दोगे, मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और अगर सी के क्लोजर में ए आ रहा है तो ए हम नहीं लिख सकते, मतलब जरूरत नहीं है। क्या सी के क्लोजर में ए आ रहा है, सी के क्लोजर में इधर आप देखो ए आ रहा है, सी के क्लोजर में ए नहीं आ रहा, तो यानी आप ए को नहीं हटा सकते। ऐसे ही अगर आप चेक करो, सी को आप हटा दो तो ए के क्लोजर में अगर सी आ जाता तो आप सी को हटा सकते हो, बिकॉज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आप देखो ए के क्लोजर में कहीं सी आ रहा है, ए के क्लोजर में सी नहीं आ रहा, इधर आप देख सकते हो ए के क्लोजर में सी नहीं आ रहा, सिर्फ बी आ रहा है, तो आप यहाँ पे सी को भी नहीं हटा सकते। अगर ए के क्लोजर में सी आ जाता तो आप सी को हटा सकते, या सी के क्लोजर में ए आ जाता तो आप ए को हटा सकते थे, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज जब आप फाइंड करते तो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटरमाइन हो जाता है, तो यानी इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व, ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी मैच करेगा, यहाँ पे ऑप्शन हम आपके पास डी ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन। तो इसको आप लिख सकते हो सी गोज टू बी लिख लो, और डी गोज टू ए सी आप लिख सकते हो, मतलब ए गोज टू बी, सी गोज टू बी, D goes to AC. So this is how to solve the minimal cover. So yes, option D is the correct option. So this is about the minimal cover. So this is about the minimal cover. Thank you for watching this video. I will see you next time.